लुटेरी दुल्हन के गिरोह का खुलासा कर छतरपुर पुलिस ने एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कुंवारे युवकों से शादी के नाम पर सौदा करता था और पैसे लेकर फरार हो जाता था। कुंवारे लड़कों को फंसाना, शादी करना, फिर पैसे लेकर फरार हो जाना, ये कोई फिल्म की कहानी की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि सच्चाई है। मामला छतरपुर के बमीटा थाने से सामने आया है, जहां नाम बदलकर एक लुटेरी दुल्हन पैसे ऐंठने के बाद फरार हो जाती है। युवक जयपाल यादव के साथ नाम बदलकर प्रीति यादव ने 80,000 रुपए लेकर शादी की। दो दिन उसके साथ रुकी और फिर जब दुल्हन का भाई बहन को लेने आया तो दूल्हे के परिवार ने उसे भेजने से मना कर दिया। फिर दुल्हन के भाई ने थाने में शिकायत की। उसकी बहन को जयपाल यादव का परिवार जबरदस्ती बंधक बनाकर रखे है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस जयपाल के घर गई और दुल्हन को छुड़ाकर थाने ले आई। जब पुलिस ने दोनों पक्ष के साथ पूछताछ की तो अलग ही कहानी सामने आ गई। महिला शादी का झांसा देकर कई लोगों को चूना लगा चुकी थी। पुलिस ने दूल्हे की शिकायत पर लुटेरी दुल्हन सहित उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक अन्य आरोपी की अभी तलाश भी जारी है। जी, अपने भाई की शादी हो रही थी पहले जटाशंकर से किसी दूसरी जगह, तो वो किसी कारणवश बिगड़ गई। तो फिर अपनी अपन को तो शादी करनी ही थी। अपन आए वापस तो यहाँ पे ये पप्पू नाम का एक आदमी मिला। इसने बोला भैया हम गरीब आदमी हैं, हमारी बहन है शादी के लिए, तुम्हारी शादी बिगड़ गई है तो हमारी बहन से कर लो और हमारे जो यहाँ पे जो खर्च है घर का वो खर्च भी आपको ही उठाना पड़ेगा, हमारे तो है नहीं है। तो उससे पूछा कितना पैसा लगेगा, उसने 80,000 रुपये बोलेगा 80,000। अपन ने बोला कुछ कम हो जाएगा, तो बोले नहीं कम नहीं होगा और वो तो इतना खर्च आना ही है। तो कहा चलो ठीक है, हमारा तो बिगड़ रहा है, चलो कर लें शादी। तो उससे शादी की 2 तारीख को, और इसके बाद शादी होकर चले गए। वो लेवाने के लिए आए 4-6 दिन बाद तो मना कर दिया कि अभी नहीं भेजेंगे हम। तो ये इसने रिपोर्ट कर दी तो पुलिस गई वहाँ पे लड़की को लेने। इसके बाद पता चला कि उसका तो 4-5 जगह और भी ऐसा हाल, वो जगह शादी की और पैसे लिए और भाग जा ली थी। और इसके बाद बमीटा थाने में वो केस हो गया लड़की को और उनको दोनों को रख रखा है। अब पता नहीं क्या हो रहा कि जेल भेज दिया लड़की को या फिर छोड़ दिया, पता ही नहीं क्या। बमीटा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की घूमने की रिपोर्ट कराई गई थी। जब उसकी पत्नी को दस्तयाब किया गया तब संदेह स्थिति में पाया गया उसको। जब जांच की तो पता चला कि वो व्यक्ति जो लड़की थी उसने अपनी पहचान छुपा करके इन 3-4 व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गिरोह है जिसमें फर्जी शादी करवाना तथा दुर्व्यापार के मामले सामने आए हैं। इसमें जो 3 व्यक्ति हैं उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, मामला जाँच में है, 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है बमीठा थाना पुलिस द्वारा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।